हेलो दोस्तों, आज बेसिकली हम बात करेंगे जल प्रदूषण मतलब वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो जल वाटर पॉल्यूशन होता है जब कोई सब्सटेंस मतलब कोई भी पदार्थ, ये पेनी है, इसको हम पानी फेंक देते हैं तो पानी को क्वालिटी को घटाएगा, उसी को वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। तो आइए इंग्लिश में डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, मतलब जो क्वालिटी ऑफ वाटर होता है उसमें गिरावट आती है ड्यू टू एडिशनल ऑफ सब्सटेंस, जब कोई सब्सटेंस उसमें आप मर्ज कर देते हो तो इसी को वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्यों वाटर पॉल्यूशन इसमें बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है, और क्यों वाटर पॉल्यूशन, कैसे वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, कैसे लोगों के लाइफ पे इफेक्ट कर रहा है, ये जानते हैं। सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन कॉजेस, क्या चीज कारण होते हैं जो वाटर पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं, तो दो कारण होते हैं, एक नेचुरल सोर्स एज अ मैन मेड सोर्स। ठीक है, तो नेचुरल सोर्स में बात कर सकते हैं हम लोग अर्थ क्यूब, मान लीजिए अर्थ क्यूब आ गया तो क्या किया, बिल्डिंग होल्डिंग टूट गया, जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर गया किसमें, पानी में, तो पानी गंदा हो गया। उसी तरह जो विंड हवा है, पॉलिथीन वोलिथीन हवा के सब पानी में लेते जाती है, जो वाटर को उसी में मर्ज हो जाता है, जो ले जाती है हवा को, उसकी वजह से बहुत ज्यादा वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, तो नेचुरल सोर्स में आप लिख सकते हैं अर्थ क्यूब, विंड, एयर, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसको। आप मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सबसे ज्यादा गंदा वाटर पॉल्यूशन को बढ़ाता है मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स को हम वाटर पॉल्यूशन को दो भागों में बांट दिया हूं। ठीक है, एक म्युनिसिपल बेस्ड वाटर एज और इंडस्ट्री बेस्ड वाटर। क्या होता है म्युनिसिपल बेस्ड वाटर, वो होता है जो हमारे घर से पानी खर्चा होता है, नाली में हम कूड़ा फेंक देते हैं, जो नाली के पानी गंदा कर, तो वही नाली पानी जाके आगे बड़े नदियों से में जाके गिरता है, जो पूरे नदी को पालूद कर देता है। ठीक है, तो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जो म्युनिसिपल पूरे शहर के जितने घर और हैं वो पूरे म्युनिसिपल के अंदर आते हैं, उनका जो भी पानी प्रॉब्लम है वो है वो सब म्युनिसिपल के अंदर आते हैं, तो जो वाटर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कौन इंक्रीज करता है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 लीटर पानी नहाना रहता है तो क्या करते हैं, 10 लीटर में हम लोग नहा लेंगे, लेकिन हम लोग 400 लीटर डेली यूज करते हैं नहाने में, क्योंकि हम लोग को सालों का सलमान खान बनना है ना, तो इसीलिए म्युनिसिपल वेस्ट वाटर बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है, हम लोग पानी को वेस्ट भी करता है, और उसके बाद क्या करता है, हम लोग नाली के पानी को अगर जाता है दूसरे नदी में जो दोबारा री यूज हो जाए, उसमें हम लोग कचरा फेंक देते हैं नाली में, स्टोर कर देते, इसकी वजह से म्युनिसिपल वेस्ट वाटर पॉल्यूशन को पॉल्यूट करता जाता है। इंडस्ट्री वेस्ट वाटर ये तो सबसे ज्यादा हार्मफुल है, जैसे इंडस्ट्री मान लो कि एक ए है, ए प्रोडक्शन हो रहा है, ए प्रोडक्शन करने के लिए 20 लीटर मान लो वाटर लगा, तो उसके बाद जो वाटर मतलब गंदा अनप्योर हो गया, पहले प्योर वाटर लगा, अब अनप्योर 10 लीटर वाटर बचा, उसको क्या करते हैं सब प्योर वाटर में नदी में छोड़ देते हैं सब, जिसकी वजह से 10 लीटर पानी जाके पूरे नदी के गंदा पानी कर देता है, जिसकी वजह से एक वाटर पॉल्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो आप बेसिकली समझ लोगे, और इंडस्ट्री जो भी खराब चीज होता है प्लास्टिक वायल ऑयल सब उसी में फेंक देती है, जो सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा मेन सोर्स क्या है, म्युनिसिपल ह्यूमन मेड सोर्स में, और म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जो हम वेस्ट करते हैं, हम खुद करते हैं, इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री वाले वेस्ट करते हैं पॉल्यूशन वाटर उसी को करते हैं। ठीक है, वायल पीली भी मतलब वायल जो हम कभी पानी फेंक देते हैं जो वायल बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है, और सरफेस रन वाटर मतलब सरफेस जो रन वाटर जाता है बहुत ज्यादा कंकर मक्कर ले जाता है, जो वाटर को गंदा फैला देता है। तो बेसिकली दो सोर्स मतलब पॉल्यूशन वाटर का कैसे होता है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर में बहुत कुछ आ जाएंगे आप जोड़ेंगे तो, हम लोग जो गार्बेज फेंकते हैं नदी में वो आ जाएगा जो पॉल्यूशन को बढ़ाता है, और जो हम लोग बहुत चीज करते हैं, जैसे हम लोग नदी में डेड बॉडी फेंक देते हैं, हम लोग ये भी म्युनिसिपल में आएगा तो क्या होता है पॉल्यूशन को बढ़ा देता है। तो बहुत सारे म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है जो घर से हम, आप ही खुद सोचिएगा घर पे बैठ के कि आप लोग कैसे पॉल्यूट कर रहे हो वाटर को, तो आपको म्युनिसिपल वेस्ट वाटर में बहुत सारे निकल निकल जाए। इंडस्ट्री में गंदा वाटर यूज करने के बाद नदी बहा देते हैं, इंडस्ट्री खराब प्रोडक्ट नदी में फेंक देते हैं, वेस्ट मटेरियल को भी फेंक देते हैं, जो ये दो मेन कारण है। उसके बाद अब बेसिकली एक बार रिवीजन करते हैं, सोर्स ऑफ वेस्ट ऑफ वाटर और नेचुरल सोर्स में आते हैं, विंड आप पहले बता चुका हूं, मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन जिसमें म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इंडस्ट्री म्युनिसिपल नाम वाटर जो वेस्ट करते हैं, वायल आप लोग कभी कभी छोड़ देते हैं, ठीक है, कभी कभी वायल समुद्र से आता रहता है वो भी गिर जाता है। सरफेस रन वाटर क्या करता है, सरफेस से कोई खराब चीज भी ले जाके नदी में मिला देता है, जो इंडस्ट्री, तो ये बेसिकली सोर्स ऑफ यही वाटर पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो
अब वाटर पॉल्यूशन बढ़ते बढ़ता है तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? तो यार वाटर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो पानी जो है प्योर है वो अनप्योर हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप लोग, जिसकी वजह से उसी पानी को जब हम लोग पियेंगे तो क्या होगा, हम लोग को बीमारी होगी। तो बीमारी किस टाइप की होती है, देखिए हार्ट डिसीज हो जाएगा, लंगर कैंसर हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, कलरा हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप मर सकते हैं। इसीलिए वाटर को सेव करना चाहिए, ये हमारे इंडिविजुअल हम लोग को भी नुकसान करता है, ठीक है। तो डायरिया हो जाएगा, कलरा हो जाएगा, ठीक है ठीक है। और सबसे ज्यादा नुकसान ये करता है किसी पे, तो ये मेराइन मेराइन में मतलब इक्वेटिक जो होते हैं, इक्वेटिक जो समुद्र के अंदर जीव जंतु रहते हैं उनको नुकसान करता है। मान लो कि यार वहां पे मछली रहती है, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, वो प्योर वाटर को पीने का आदत पड़ता है, हम लोग उसमें कुछ भी फेंक देते हैं, कपड़ा फेंक देते हैं, डेड बॉडी फेंक देते हैं, जिसको वजह से पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका पानी गंदा, वही पीते वही सर्वाइव करते, जिसकी वजह से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट जाती है, जीवन मर जाते हैं कई, तो इसीलिए क्योंकि उन लोगों का आदत होता है प्योर वाटर में जीने के लिए। तो इसी को इक्वेटिक लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है और बहुत सारे प्रॉब्लम पेड़ अगर तो आप समझ गए ना, तो क्या हो सकते हैं इफेक्ट आप बोलो, हार्ट डिसीज हो सकते हैं इसके पॉल्यूशन वाटर की वजह से, नहीं अगर शुद्ध वाटर पियेंगे तो हो सकते हैं वेल इफेक्ट हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कलर हो सकता है, इफेक्ट ऑन इक्वेशन मतलब इक्वेटिक लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, मतलब समुद्री लोगों में जो अंदर रहते हैं उन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। ठीक तो वाटर की आप इतना तो जानते ही होंगे वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है, वाटर बिना आप जी नहीं सकते हो, तो अभी हम बाद में उसमें विचार देंगे। तो हम वाटर को सेव कैसे कर सकते हैं, तो पहला हम लोग नहाने जाते हैं तो अमिताभ बच्चन 4000 लीटर पानी से नहाता है, तो आपको भी नहाना चाहिए क्योंकि आपको भी अमिताभ बच्चन बनना है। तो क्या करना, हम लोग को ज्यादा वाटर यूज करते हैं जो वाटर को पॉल्यूशन को इंक्रीज करता है, लेकिन जब हम लोग लेस वाटर यूज करेंगे तो एक कंजर्वेटिजम में आएगा, वाटर को सेव करने का एक मेथड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अवेयरनेस इंक्रीज, मतलब वाटर खराब हो रहा है, वाटर को धीरे धीरे ज्यादा यूज करने से वजह से कम हो जा रहा है, तो उसको हम लोग को अवेयरनेस पैदा करना चाहिए कि लोगों को वाटर सेव करना चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। एक एग्जांपल देते हैं, अवेयरनेस इसलिए इंक्रीज करना चाहिए कि टोटल हमारा जो अर्थ है 71% वाटर है, नहीं 70.8% है, लेकिन ये टोटल है, लेकिन ये प्योर वाटर नहीं है पीने वाला, सिर्फ मात्र प्योर वाटर है 0.8, और कितने मिलियन पॉपुलेशन हो 8 मिलियन, जो उसमें जानवर जोड़ेंगे तो 20 मिलियन हो जाएंगे, बिलियन हो जाएंगे, सोचो इतने लोग का 0.8 है प्योर वाटर जिसको पीना है। तो अगर आप इसी से नहाना है, इसी से खाना बनाना है, जब इसको सेफ नहीं करोगे तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये अवेयरनेस लोगों में पैदा करेंगे तो लोग बचाएंगे, 2 करोड़ लोगों के पास पानी पीने के लिए नहीं है, करंट वाटर पीने के लिए नहीं है, नहाने की बात ही छोड़ दो, ये करंट डाटा है, इसको आप लोग याद करिए। तो ये सब अवेयरनेस जब लोगों के पास पहुंचेंगे, इतना साक्षर होता है वाटर इतना इंपॉर्टेंट है, तो लोग क्या करेंगे उसको सेव करेंगे, जिसको कंजर्वेशन आप वाटर करते हैं, तो लेस वाटर यूज करना चाहिए, अवेयरनेस इंक्रीज कर दे गवर्नमेंट को, इनफैक्ट गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए कि लोगों को कम यूज करना चाहिए, लोगों को मतलब जैसे जाते हैं गांव में जो है, तो गांव में क्या करते हैं लोग कि खेती करते हैं तो रात भर पंप सेट चला छोड़ देते हैं लोग, लैंड जो है कम पानी मांगता लेकिन ज्यादा देते हैं, उसकी वजह से लैंड फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, वाटर भी वेस्ट हो जाता है, तो उसके वजह से उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, उसको रिड्यूस करना चाहिए। और हम लोग को जो भी हमारे आसपास नाली है उसमें गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए, हम लोग को ओशियन में कहीं घूमने का गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए जिससे वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, और कैनाल में नहीं फेंकना चाहिए। ये सब बेसिकली आप भी लोग सोचिएगा और सारे कंजर्वेटिव का मेथड मिल जाएगा। गवर्नमेंट को फिक्स कर देना चाहिए कि कोई भी नदी में गार्बेज नहीं फेंकेगा, बॉडी नहीं फेंकेगा। अभी कोरोना वायरस आया था तो क्या हुआ था कि लोग जलाने के लिए पैसा नहीं था तो लोग फेंक देते थे नदी में, अब वो नदी फेंक रहे भाई उसी को कई लोग पीते हैं पानी और उसकी को गंदा हो रहा है, भाई बॉडी क्या फेंक रहे, उसको जला दो, टिमिनेशन कर दो, लेकिन भाई नहीं मान रहे हो कि इससे वाटर प्रॉब्लम हो रही है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जान गए कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है और सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, कैसे वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन जान गए और कंजर्वेटिज्म ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी जान गए। तो आइए थोड़ा सा एक बात करते हैं, देखिए वाटर एक ऑक्सीजन है,
इंसान के लिए। अगर वाटर को आप सीप नहीं करोगे ना तो एक दिन आप रहोगे नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर ह्यूमन के लिए बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सोचो 2 करोड़ लोगों के पास पानी पीने के लिए नहीं है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो एक काम करना चाहिए इस कंजर्वेशन ऑफ वाटर में पॉपुलेशन भी जोड़ देना चाहिए। जब आप पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे ना तो वाटर का डिमांड कम होगा, जिसकी वजह से इंडस्ट्री का भी डिमांड कम होगा, उसके बाद क्या होगा प्रोडक्शन भी कम होगा, जिसकी वजह से प्योर मतलब वाटर का डिमांड कम होगा तो लोग उसको यूटिलाइजेशन मतलब कम यूटिलाइजेशन करेंगे, उसके वजह से वाटर के साथ शोषण नहीं होगा, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग खुद इंडिविजुअल वाटर को सेफ रखना चाहिए, घर में 1 लीटर 10 लीटर डेली 20 लीटर से ज्यादा पानी नहीं खर्चा करना चाहिए, एक राय है। गवर्नमेंट को पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए कि पॉल्यूशन रिवर से घटा दे और बढ़िया से अच्छा से करे। और एक और काम कर सकता है कंजर्वेशन में, जैसे नहीं होता है कि छत पे आप एक फार्मिंग सिस्टम आया है तमिलनाडु एडॉप्ट किया है कि छत पे लोग अपना एक बहुत बड़ा और ऊपर वो बना देते हैं, उसी में वाटर रेनिंग का स्टार्ट करते हैं, उसका पाइप कनेक्शन कर देते खेत से, जिससे रेनिंग का वाटर जो ऊपर छत पे आता है स्टोर हो जाता है, उससे पाइप का कनेक्शन कर देते। मान लो इस छत है और ये जो छत है और एक छत से इस पे जो है एक वाल खड़ा कर देते, इसके अंदर पानी जमा हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे पाइप लगा देते हैं जो नीचे जाके पूरे खेतों को पानी देता है, इसकी वजह से कितना सेव करते हैं वाटर, सोचो इतना वाटर सेव करते हैं। ये भी एक मेथड है कंजर्वेशन ऑफ वाटर का, ठीक है। इसको टेरेस फार्मिंग करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, वाटर ज्यादातर किसान ज्यादा बर्बाद करते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती है, तो अवेयरनेस नहीं होती है तो आप क्या करोगे, तो वाटर ज्यादा बर्बाद इसलिए हो जाता है कि अवेयरनेस नहीं रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं रात को कंप्यूटर चलाए छोड़ देते, रात भर पानी चलता रहता है, उससे वाटर बर्बाद होता है। तो हम लोग वाटर को कंट्रोल करना चाहिए। तो दोस्तों हम अच्छा लगे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और कोई वीडियो अगर चाहते तो आप बताइए, लास्ट इसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोग को एयर पॉल्यूशन क्या होता है और सब चीजों को रिलेटेड करके पढ़िए और खुश रहिए, जिंदगी छोटा है, लाइफ इज शॉर्ट, सो एंजॉय द एवरी मिनट एंड एवरी सेकंड ऑफ द लाइफ। सो लेकिन ये नहीं कि हम लाइफ शॉर्ट है तो हम केयर ना करें अरे मतलब केयर नहीं करें वाटर ना बचाएं, लाइफ शॉर्ट नहीं, 100 साल का है ना, 10 साल में आप केयर नहीं करोगे 10 साल में वाटर खत्म, 70 साल आप भीख मांगोगे। तो वाटर को सेफ रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।